अच्छे काम भी कर लिए पर एक गलती कर दी, 10वां जो काम है वो बहुत बुरा कर लिया, तो 100% आपकी वो गलती याद रखी जाएगी। होती जो YouTube से पढ़ी जाती है, तो तब क्या करें। सर्टिफिकेशंस ऑफ एवरीथिंग, यानी कि आपकी इंटर्नशिप्स हो चाहे कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू है हमारे जॉब्स के लिए, या कुछ भी कर रहे हो या फिर कुछ अलग सा हाइक लेना चाहते हो या जो भी है, उसके बारे में वीडियो। तो शुरू करते हैं यार इंट्रो के बाद। तो नंबर वन यार, एक चीज़ सुनते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में, पूरा डिटेल बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ है सर्टिफिकेशन, कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर प्रोजेक्ट्स आपके टेक ओवर कर सकते हैं सर्टिफिकेशन को, राइट। नंबर वन थिंग, सर्टिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझने से पहले एक चीज़ बताओ, आपके पास क्या सबूत है कि आपने 12th पास किया है, आपकी 12th की मार्कशीट मोस्ट कॉमनली वही होगा, एक प्रूफ, राइट। सर्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ प्रूफ, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, एक आपके पास है, आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ मैंने इस चीज़ पर मास्टर्स की है, इस चीज़ पर करें। मान लो यार, आज से आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, मतलब आप बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, फर्स्ट चीज़ आप अपने नॉलेज के लिए कर रहे हो या जॉब्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, प्रोबेबली सबका आंसर होगा। दूसरा, एक डिग्री के लिए कर रहे हो, राइट, क्योंकि डिग्री नहीं होगी तो फिर नौकरी नहीं होगी। तो सर्टिफिकेशन इधर पर समझ आ रही होगी थोड़ी बहुत बातें। अब आती है कोर्स सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पर कितना रोल है यार, देखो आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है सर्टिफिकेशन, कितना बेनिफिट करता है थोड़ा सा रुको, ठीक है, पता चल जाएगा। तो सर्टिफिकेशन की अगर बात की जाए, आपके पास कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट, यूडीमी के, एनपीटीईएल के, ऑफ किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेशन, कुछ ना कुछ एक वैल्यू करते हैं कि एक आपके पास प्रमाण पत्र हो जाता है कि आपने ये चीज़, मतलब कंफर्मली आपने चीज़ें पढ़ी है। बट एक चीज़ गौर से सुन लो, सर्टिफिकेशन करने का ये मतलब नहीं है कि आप अगर इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो वो आपसे इस चीज़ के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि आज की डेट में यार काफ़ी सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, कोई वेबसाइट मेंशन नहीं कर रहे, फेक वेबसाइट फेक ले सकते हो, तो वहाँ पर जो है एचआर वो आपसे दोगुना एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो उसे पता है किस तरह से वर्क करना है। तो अगर आप फेक सर्टिफिकेट करते हो किसी पायलट का या किसी और भी चीज़ का, तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा उसे करने में। आपका पहला इंटरेक्शन एचआर से तब नहीं होता है जब आप उससे मिल रहे होते हैं डायरेक्टली इंटरव्यू देने में, आपका इंटरेक्शन पहले ही हो चुका है एज पर दी आपके रिज्यूमे से। आपके रिज्यूमे ही बताते हैं कि आप किस तरह के पर्सन हो या आपका क्या क्या चीज़ें आती, आप किस टाइप के एक बोला जाए तो एसेट हो उनकी कंपनी के लिए, ठीक है, या फिर आप एक लायबिलिटी बन जाओगे उस कंपनी के लिए, ये डिपेंड करता है। अब बात आती है कि सर्टिफिकेशन से सिंपल सी बात है यार, एक प्रूफ हो जाता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। बट यार कुछ चीज़ें होती जो यूट्यूब से पढ़ी जाती है, तो तब क्या करें कि हमने यार यूट्यूब से पढ़ लिया, कोड विद हैरी चैनल से पढ़ दिया, या अमन तत्वर भैया के चैनल से पढ़ दिया, ये चीज़ें हमसे आता है, हमने वो चीज़ करें, तो सिंपल बात है, आपने कब डिसाइड कर लिया कि आपसे आता है, जब आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया होगा, राइट। तो यार प्रोजेक्ट का जो भी लिंक है उसे शेयर करो अपने रिज्यूमे में, राइट, तो सर्टिफिकेशन को ओवरकम करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 10-20 सर्टिफिकेशन अगर अटैच कर दे तो अपने रिज्यूमे के साथ, तो आपको बहुत प्यारी जॉब मिल रही होगी ना, आपके 200 के 20 सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल में पूछा जा सकता है, और आपने कुछ भी अगर थोड़ा सा फेक है तो एक बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे काम भी कर लिए पर एक गलती कर दी, 10वां जो काम है वो बहुत बुरा कर लिया, तो 100% आपकी वो गलती याद रखी जाएगी, चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर लो रियल लाइफ में है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा यार, थोड़ा सा इमोशनल है अपना दिमाग, अपना ब्रेन, और जो सामने वाला बैठा बंदा है वो भी एक इमोशनल ही है, इंसान ही है क्या, राइट। अब सर्टिफिकेशन की वैल्यू की बात करते हैं, कितने कौन कौन से सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। नंबर वन है जितने भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, आपके कोर्स के हो गए, जैसे इसरो के हो गए, कुछ डीआरडीओ कराता हो तो अच्छी बात है, ठीक है, आपके स्वयं के हो गए, एनपीटीएल कोर्सेज हो गए, इन सब के सर्टिफिकेशन की काफ़ी वैल्यू बोलेंगे, ओके। और कुछ है जो
बोला जाए तो कुछ जो प्राइवेट वेबसाइट से चला है जस्ट लाइक यूडेमी एंड कोर्सेरा, इनकी भी वैल्यू है बट यार गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है और उसका एक परफेक्ट प्रोसीजर रहता है। यूडेमी में सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है तो आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है। उसमें बहुत से हैक्स हैं, हैक्स क्या है सिंपल सा है, कुछ लोग यार कुछ गलत तरीके से ले लेते हैं कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, लोगे डेटा आपके पास नॉलेज नहीं है, दो मिनट लगेगा आपको बाहर निकालने के लिए, राइट। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो क्या किया जाए। तो नंबर वन चीज़ हो सकती है, दो केस लेकर जा सकते हैं कि आप एक फ्रेश हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, और दूसरा आपका हो सकता है कि आप एक कंप्लीट कर चुके हो तो आपका जो डिग्री है या बीएस बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यही आपकी एक सर्टिफिकेशन का काम कर सकती है। इतना पे स्केल नहीं देगा आपको बट काफ़ी काम चलाऊ हो सकती है, बाद में आप इसको हाइक कर सकते हो अगर आपके पास इनबिल्ट टैलेंट है, ठीक है, या फिर टैलेंट पर वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपके अगर फ्रेशी हो यार तो ट्राई करो कि अभी अभी मतलब जब फाइनल ईयर में हो तो थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स का जुगाड़ करने की कोशिश करो। अगर आपसे वो चीज़ आती है तो ज़रूर कर लो, नहीं आती यार सीख लो और करो, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा, अच्छे से इम्पैक्ट करता है यार। आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन आपके एचआर के साथ, आपके इंटरव्यू के साथ, आपसे मिलने से पहले ही हो जाता है, आपके एक परसेप्शन बना चुका होता है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये जो पार्ट है ना फिर आपके चेक किया जाता है, ठीक है। कवर से ही हमने जज किया था, इंटरव्यू ने आपको जज किया था, अब आप जो अंदर के पेजेस है वो कितने अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ये डिपेंड करेगा आप पे, तो यही चीज़ रहेगी। और सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यू रखेगा या थोड़ा बहुत वैल्यू रखता है बट आपको रिप्लेस कर सकते हो अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि आपने कुछ ना कुछ वर्क किया, यहाँ तो सिर्फ सर्टिफिकेशन है और आप किस तरह से ले रहे हो ये भी बात है, सबके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपके सर्टिफिकेशन देखता रहे, राइट। और जो भी चीज़ें हैं सर्टिफिकेट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि आपको एक वर्क के रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह से उसमें वर्किंग होती है, राइट। और जो भी दिक्कत है, कोई और वीडियो सजेस्ट करना है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही वीडियो रखेंगे यार, कुछ और वीडियोस बताओ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कमेंट में आपके सजेशंस आ रहे हो, वीडियो किस तरह अच्छा लगा, ऐसा ही वीडियो पसंद आ रहा है तो जस्ट लाइक द वीडियो एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर रहे हो गया, नहीं कर रहे तो जस्ट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और लेफ्ट और राइट साइड की जो भी वीडियोज है उसको क्लिक करो, बढ़िया से देखो, जितना भी टाइम मिल रहा है यार अच्छा सा वीडियो लग रहा होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज सी यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे फ्री एंड बचाते रहो।